नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन श्रीविद डीके में। और आज फिर आपके हम लेकर आए हैं यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र के 115 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी की ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको आपकी आने वाली कोई भी टैट एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र के 115 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर हमने सीधे प्रश्न और उसके उत्तर को ही शामिल किया है, चार विकल्प इसमें शामिल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है चार विकल्प के साथ में, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवा पाए इसलिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त तो हो सके। तो अपना एक सुझाव कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसका कौन सा यहाँ पर अंग नहीं है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो अंग नहीं है वो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर बुद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य यहाँ पर गलत है? तो देखिए चार विकल्प होते तो सीधे वहां पर हम पहचान सकते थे, परंतु यहाँ पर सीधे जो गलत लिखा है कि विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर संश्लेषण विधि के संबंध में जो तथ्य गलत होगा वो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा सिद्धांत यहाँ पर प्रयोजना विधि का नहीं है? तो जो मूल्य सिद्धांत है वो प्रायोजना विधि का नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चार विकल्प के अनुसार प्रश्न है और उत्तर सीधा यहाँ पर वन लाइनर में है। चलिए तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हमें देखने को जरूर मिलते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सीधे यहाँ पर उत्तर को देख सकते हैं। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित तो होता है, तो देखिए दैनिक जो पाठ्य योजना होती है टीचर्स डायरी के अंतर्गत अपनी दैनिक जो पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें विषय वस्तु का चयन होता है, शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण होता है, साथ ही साथ शिक्षण की विधियों का निर्माण भी उसमें शामिल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनते हैं, तो निश्चित रूप से अनुप्रयोग संबंधी जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सबसे ज्यादा योगदान दिया ब्लूम ने। चलिए आगे बात करते हैं, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं, तो पाठ योजना के जो भाग नहीं होते हैं तो यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न के हिसाब से प्रश्न है, तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है, तो प्लेटो जो थे ये गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता। आगे अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि के उपयोग है, तो निगमन विधि का उपयोग जो होता है मुख्यतः सूत्र का प्रयोग करने में इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सूत्र का प्रयोग करना। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो अंक गणित जो है ये गणित की सबसे प्राचीनतम शाखाओं में से मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त तो होने वाले शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए रेखा गणित में जो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त तो होने वाली विधि है वो है प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, तो क्या देखा जाए? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि देखा जाए, वही एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। चलिए जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो इनका संबंध जो है समाज मिति से विधि से संबंध इनका है। चलिए समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। और अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर गणित विषय की विशेषता है तर्क पूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, यही गणित की विशेषता होती है क्योंकि यहाँ पर तार्किक प्रकृति गणित की होती है, तर्क पूर्णता यहाँ पर आ रहा है तो आप उससे भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, तो निश्चित रूप से चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय होता है गणित, इसके माध्यम से इन सभी गुणों का हमारे अंदर विकास होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सभी तर्क पर आधारित होते हैं, तार्किक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया था, तो देखिए ब्लूम का वर्गीकरण सबसे पहले प्रश्न हमने देखा था, तो ब्लूम के द्वारा ये वर्गीकरण जो था शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था।
आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो आगमन विधि का जो प्रमुख दोष है वो होता है यहाँ पर ज्ञानार्जन इसके अंदर बहुत धीमी गति से होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, वैश्लेषिक सोच, ये सभी गुण बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण कथन है जो कि कई बार आप पुराने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। गणित सभ्यता का और संस्कृति का दर्पण है यह कथन किसने कहा? तो ये हांग वेन ने कहा था। चलिए, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्यों का। त्रिभुज की रचना है तो आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होना चाहिए? तो हमारे पास जो भी त्रिभुज की रचना संबंधित हम वैसे ही सोच समझ करके उत्तर इसका दे सकते हैं। कंपास, पैमाना, स्केल आदि इसमें हमारे पास होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसकी वैधता। तो यहां पर वैधता हमारा उत्तर होगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध जो होता है वो उसके उद्देश्यों से होता है। चलिए, अलक्षण है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो हम देखते हैं कि गणित का जो सर्वाधिक उपयोग मानव जीवन गतिविधि में होता है वो गतिविधियां होती है उसकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी होती है? तो निगमन विधि जो होती है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है विशिष्ट सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण पर सूत्र पर आधारित विधि है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा आगमन विधि। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सूत्र का सिद्धांत प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है सजीवता। चलिए, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? तो विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है इसके अंदर पाठ योजना निर्माण करने से। चलिए, अगला क्वेश्चन है रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो निश्चित रूप से आकार, विस्तार, स्थिति आदि को इसमें प्रमुख महत्व दिया जाता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो हम देखते हैं कि जो विज्ञान विषय होता है गणित के साथ इसका बहुत गहरा संबंध होता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं शिक्षण उद्देश्य कहते हैं उसे। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, क्योंकि ब्लू प्रिंट के माध्यम से हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो ये प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होता है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों में किन किन दिनों पढ़ाना है? तो इकाई योजना जो विधि होती है उसके अंतर्गत इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि एक विद्यार्थी गणित विषयवार कई बार लिखा है तो ये कई बार है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वही जानने के लिए गणित की किस शाखा में कमजोर है निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाएंगे? तो उपचारात्मक तरीका जो है हम यहाँ पर इसके लिए उपयोग में लाएंगे। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सम्मिलित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो शिक्षिका यहाँ वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास यहाँ पर कर रही है। अगला क्वेश्चन बनता है गणित शिक्षिका संकल्पना को पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस क्रिया को रूपात्मक आंकलन जो होता है कहा जाता है। रूपात्मक आंकलन, ये रूपात्मक लिखा है तो ये रूपात्मक आंकलन है, ठीक है ना, ये रूपात्मक आंकलन है। चलिए, गणित की प्रकृति होती है तो गणित की जो प्रकृति होती है ये तार्किक प्रकृति गणित की होती है हम जानते हैं। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? तो अभ्यास शिक्षण जो है ये सहयोग करता है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता के विकास करने में। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है, तो क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखने में। तो यहां पर हम कह सकते हैं स्वयं करके सीखना। गणित की भाषा का अंग है, तो गणित की भाषा के अंग जो होते हैं संकेत, सूत्र, संख्या, चर, ये सभी गणित की भाषा के अंग होते हैं। गणित शिक्षण किस विषय में महत्व है? गणित शिक्षण का समुदाय सिद्धांत, तर्क और विज्ञान के शिक्षण में इसका महत्व होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना, क्योंकि शिक्षक का कार्य जो होता है वो अध्यापक का वो शिक्षण कार्य कराना होता है।
सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। सबसे ज्यादा हम तभी सीखते हैं जब हम खुद अनुभव करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष अनुभव हमारा उत्तर होगा। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ड्रिल कार्य अभ्यास के द्वारा ही छात्र गणित में गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि स्पीड से वो आसानी से उसे हल कर सकते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा ही है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, और यह शब्द किसने कहे थे, तो रोजर बेकल जो थे इन्होंने ये शब्द कहे थे। चलिए, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है, तो मूल्यांकन जो होता है उसे ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य के रूप में माना जाता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है, निगमन विधि में इसका प्रयोग होता है। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो इसमें निगमन विधि में इनका उपयोग लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं मनोरंजन एवं खेल संबंधित तरीका वहां पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर अधिक गणित जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, और यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कथन जो है डेविड हिलर के द्वारा ये कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसमें जो उद्देश्य है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अगला क्वेश्चन आता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा जो है महत्वाकांक्षी सुसंगत है, और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है, यह महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है वो होता है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्या के हल को लिखता है तो गलतियां करता है, उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसे ऐसे कार्यपत्र को देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या हो सकता है, तो यहाँ पर युगल आधार वाक्य हो सकता है किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। शून्य की खोज किसने की, बहुत अच्छा प्रश्न है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर सांख्यिकी के प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था, तो आर ए फिशर का यहाँ पर मुख्य श्रेय था। अगला क्वेश्चन है, हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया या किसने दिया, तो श्रीधर ने हासिल का संप्रत्यय गणित में सर्वप्रथम दिया। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित की शिक्षण के सबसे उपयुक्त विधि है, तो अंक गणित शिक्षण के सबसे उपयुक्त विधि होती है विश्लेषण विधि। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो ज्ञानात्मक भावात्मक और मनुष्य चालक उद्देश्यों को शिक्षक वहां पर प्राप्त करता है। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, तो एक दार्शनिक मित्र परामर्शक की यहां पर भूमिका होती है, तो ये परामर्श और सक अलग लिखा है, ठीक है ना, परामर्शक की भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो बच्चों के लिए एक परामर्शदाता होते हैं, सलाहकार होते हैं और दार्शनिक मित्र भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन निगमन विधि जो होती है गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो आंकड़ों का संग्रह संगठन और प्रस्तुति गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, तो देखिए बहुत बार ये प्रश्न बनता है रट लेना, तो रट लेने को गणित में कोई स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन के स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय होता है आंकड़ों का प्रबंधन, गणितीय प्रक्रिया नहीं है, कंठस्थ करना मतलब वही रटने वाली बात यहां पर आ जाती है। गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है, तो गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर महत्व दिया जाता है। उदाहरण से नियम बनाया जाता है आगमन विधि के अंदर, और गणित सार संग्रह पुस्तक जो है ये किसकी रचना है, तो ये महावीराचार्य की रचना है, और ये पुस्तक गणित सार संग्रह भी कई बार
आपको एग्जाम में देखा होगा, आपने पूछा जा चुका प्रश्न है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय जो है ये लीलावती पुस्तक के रचनाकार है, मतलब गणित की पुस्तक ही है ये सभी। और अगला क्वेश्चन आता है, 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की? तो प्रोफेसर बी एन प्रसाद ने इसकी स्थापना जो थी की थी मैथमेटिक्स सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान की रानी है किसका कथन है? तो ये गॉस का कथन है। चलिए, गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये कथन दिया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन बनता है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है और यह कथन है बेल का। तो सबने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है ना। अब 2 से मतलब यहां पर जो हमें संख्या आती है 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी जो होती है वो 1 होती है, मतलब 1 को हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहते हैं। गणित विज्ञान है, तो गणित जो है गणनाओं का एक प्रकार से विज्ञान है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता संबंधित, ये कथन दिया था नेपोलियन ने। चलिए, उच्च कक्षा में ही गणित की कौन सी विधि ज्यादा लाभदायक होती है? तो निगमन विधि जो होती है उच्च कक्षा में लाभदायक होती है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा, तो अंक गणित है। देखिए यहाँ पर दूसरे प्रकार से प्रश्न को थोड़ा सा पूछ लिया है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, तो आगमन विधि जो होगी सबसे छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होगी। अब विकल्प होते तो यहाँ पर खेल मनोरंजन भी आ जाता है, क्योंकि विकल्प नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उत्तर इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग बन रहा है। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर आधारित होती है। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना इस विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग करके पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये सभी आगमन विधि से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन बनता है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हम जानते हैं ज्यामिति में मापन क्षेत्र से संबंधित होती है। ह्यूरिस्कोप का क्या अर्थ होता है? तो ह्यूरिस्कोप का मतलब होता है खोज करना, और ह्यूरिस्टिक विधि मतलब कोई खोज, स्वयं खोज करना या स्वयं हल करना। ह्यूरिस्टिक विधि जो थी इसके खोज किसने की थी? तो आर्मस्ट्रांग ने ये विधि दी थी, ह्यूरिस्टिक विधि। अगला क्वेश्चन है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? सामाजिक आर्थिक, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। चलिए, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री होती है, तो श्यामपट, मॉडल चार्ट आदि जो होते हैं ये गणित शिक्षण के सहायक दृश्य सामग्री के रूप में माने जाते हैं। गणित को रोचक और सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक होता है प्रभावशाली मनोविज्ञान, उसी के माध्यम से हम गणित को रोचक और सुग्राही सरल बना सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? तो मानसिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है? तो यहाँ पर अंतर होता है उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना कि अधिक उपयोगी गणितीकरण कैसे किया जाए, ये कहा था डेविड फीलर ने। और सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव इसमें शामिल हो ही चुका है। गणित में हम किस विधि में प्राय सूत्र नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये हम लेते हैं निगमन विधि के अंतर्गत। गणित ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो निश्चित रूप से बहुत बार ये प्रश्न बना है, विज्ञान विषय में गणित का उपयोग होता है। चलिए, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो देखिए, इकाई उपागम जो है ये मॉरिसन से संबंधित है। जो छात्र गणित नहीं समझते वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, ये कथन दिया था प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? तो संश्लेषण विधि जो होती है इसके माध्यम से कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो संश्लेषण विधि जो होती है ये तार्किक प्रतिपादन की विधि है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्यादा स्थायी होता है। किस विधि के द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करती है? तो आगमन विधि
के माध्यम से छात्र में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षक शिक्षण को स्थायी और रोचक बना दें? तो ये कथन दिया था मैकन और राइवस का कथन है। चलिए पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और एक और प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है? तो उसमें बहुत सारी अनंत संख्याएं इसमें शामिल होती है, सब एक प्रश्न बनता है। गणित की प्रकृति, हम जानते हैं कि गणित तार्किक प्रकृति का होता है। शून्य की खोज, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो ये व्यवस्थित रूप प्रदान किया था ब्रह्मगुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो हम जानते हैं अबेकस का प्रयोग जो होता है वो प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लाभ क्या होता है? तो स्कूली शिक्षा में गणित का लाभ बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना लाभ होता है। करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया था NCERT के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था डटन ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के हमारे जो गणित पेडागॉजी संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।